वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 के एग्जांपल नंबर 4 को आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि सारे एग्जांपल्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो फॉर्मूला वाला वीडियो वो आप जरूर देखें, आई टैब पे क्लिक करने पर वो आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 के बारे में। एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस अबाउट द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 1,0, 0,2, 2,3 रिफर्ड टू एज रेक्टेंगुलर एक्सिस आर g1, g2, g3 रेस्पेक्टिवली। आपको ये कह रहा है कि मोमेंटम जो है g1, g2, g3 है इन पॉइंट्स के अलोंग, और वो किससे रिफर्ड हो रहा है, एक्सिस या रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब 2D एक्सिस। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल, है ना, एंगल का टेंजेंट फाइंड करना है, यानी कि टेन थीटा फाइंड करना आपको, और क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्सेस, जो कि रिजल्टेंट फोर्सेस बना रहा है उसका आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, हमको सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे कि इसकी ये जो हम बात करते हैं डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ना यार उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो समझना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है थीटा, यानी कि रिजल्टेंट डायरेक्शन मतलब क्या, थीटा एंगल, एंगल जो होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स मॉड में। ओके, अब आपको क्या कह रहा है, टेंजेंट फाइंड करना है, यानी कि टेन थीटा फाइंड करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, वाई बाई एक्स का रेशियो लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, g1, g2, g3 तीन चीजें गिवन है आपको, y by x फाइंड करना, और आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। देखो जब भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं आपके पास में मोमेंटम की बात हो रही है, तो आपको क्या करना, कोऑर्डिनेट के लिए मोमेंटम की जो इक्वेशन होती है वो आपको लिखनी है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशन होती है ना फॉर h, k के लिए जब भी मोमेंटम की बात होती है तो वो क्या होता है, डैश इज इक्वल टू जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। ये इस इक्वेशन से, अब हमारे पास में तीन पॉइंट है, तीन ही वेरिएबल है, उन तीनों की वैल्यू फाइंड करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें आप यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1,0 जिसमें आपको पॉइंट नंबर 1 है, और इसके अलोंग जो जी है उसको आप g1 कहेंगे, जो जी डैश है उसको क्या कहेंगे, g1 कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, g1 इज इक्वल टू जी माइनस, ये हो जाएगा एच वाई, यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ 2,0 के बारे में, सॉरी जो आपको गिवन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,2 गिवन है, तो यार 0,2 के बात करता हूँ मैं यहाँ पे 0,2, इसके अलोंग जो गिवन है आपको मोमेंटम दैट इज द g2, और ये हो जाएगा g2 इज इक्वल टू जी माइनस, यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा, सॉरी यार यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x जीरो, इसमें भी आपका ना 1,0 दे रहा है। ओके, यहाँ पे आएगा आपके पास में y, एक सेकेंड, आपको ना यहाँ पे h और k की बात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे इसको थोड़ा समझ लिए, ये h है और ये क्या है, k है, तो h की वैल्यू रखेंगे, ये k की वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू जीरो हो जाएगी, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो यह क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली लास्ट पॉइंट अपने को कह रहा है 2,0, तो ये सॉरी 2,3, इसके अलोंग जो g है वो कितना हो जाएगा, g3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g3 इज इक्वल टू जी माइनस 2y हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स बाय द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। सो क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको वेरिएबल किस में चाहिए, हमको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, और हमेशा ध्यान रखें इक्वेशन जो होती है ना वो दो वेरिएबल की होती है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ, इसको रिड्यूस करके मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये जो जी, अच्छा ये एच है ना, एच वाई होगा यहाँ पे, एच नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, ये वाई होगा यहाँ पे। ओके, एच की वैल्यू तो रख रहा है ना 1, तो ये वाई हो जाएगा। अब इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते हुए हम इसको देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं लेस करता हूं तो आपको क्या हो जाएगा, जी वहां से हट जाएगा, जी रिड्यूस हो रहा है ना, इन दोनों को अगर मैं लेस कर रहा हूं तो मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, जी वन माइनस जी टू। ओके,
जी वन माइनस जी टू हो जाएगा, या फिर इक्वेशन नंबर टू में से लेस करते तो जी टू माइनस जी वन हो जाएगा, एक ही बात है। आप अगर क्या करें, इक्वेशन टू में से वन को लेस कर देते, चलो इक्वेशन टू में से करेंगे तो भी वही बात है, बस थोड़ा सा एक्स वाई के प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, जी टू माइनस जी वन हो जाएगा, सिमिलरली इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, टू एक्स माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर थ्री माइनस सॉरी इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन नंबर वन, जिससे भी अगेन जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इक्वेशन एक्स वाई में आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन सॉरी इक्वेशन नंबर वन करते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री माइनस क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन कर देते हैं। तो इक्वेशन थ्री में से वन को मैं लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा जी थ्री माइनस जी वन इज इक्वल टू, जी दोनों में से लेस हो गया। अब क्या आएगा, माइनस है तो थ्री क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा थ्री एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखो ये माइनस टू वाई है, ये वाई है, तो माइनस टू वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाई हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर फाइव आ गया। अब क्या करना, आप इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, एंड जी थ्री माइनस जी वन इज इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स कैपिटल है, माइनस वाई। और यार इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब क्या करना है, यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में फाइव एक्स, ये हो जाएगा जी टू माइनस जी वन प्लस जी थ्री माइनस जी वन। इसको क्या लिख सकते हैं, जी टू माइनस टू जी वन प्लस जी थ्री ओवर क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू एक्स। ये आ गई आपके पास में एक्स की वैल्यू। अब जब एक्स की वैल्यू आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमको एक्स और वाई से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, जी को हमने सब जगह रिड्यूस कर दिया है, ओके। अब अगर जी की बात होती इसमें, अगर आपको लाइन ऑफ एक्शन फाइंड करना पड़ता ना, लाइन ऑफ एक्शन जी इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स, इसके लिए आपको जी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आपको लाइन ऑफ एक्शन बोला नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं कहा तो आप जी को हटा दीजिए। तो यार जब वाई की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ तो आपको मिलेगा थ्री जी टू माइनस जी वन माइनस टू जी थ्री ओवर फाइव। अब ये कहाँ से आया आप देख सकते हैं, इस एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलो इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट नहीं सॉरी वाई वाई की वैल्यू फाइंड करने नहीं, यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा जी वन इज इक्वल टू जी माइनस क्या करना है, अच्छा हमारे पास में एक्स की वैल्यू तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे है ना एक्स नहीं है तो है ना, जिसमें दोनों वेरिएबल होते हैं उसमें पुट कीजिए, तो आप इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी थ्री माइनस जी माइनस टू वाई प्लस क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास में है तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए थ्री इंटू जी टू माइनस टू जी वन प्लस ये हो जाएगा जी थ्री ओवर फाइव। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं आप, अगर यहाँ से नहीं फाइंड करना चाहते और इजीली अगर फाइंड करना चाहते तो यार ये इक्वेशन पड़ी हमारे पास में है ना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, ये इक्वेशन पड़ी, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाई पड़ा ना यार, ये हो जाएगा जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई। तो ये हो जाएगा जी टू माइनस जी वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करते आपको मिल जाएगा y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू आ गई आपके पास में तो x और y से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, tan फाइंड कर सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना था, tan थीटा फाइंड करना था, दैट इज द मॉड ऑफ x बाई y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x y में सॉरी y बाई x है, y में x का डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा थ्री जी टू जी वन माइनस टू जी थ्री ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे जी टू माइनस टू जी वन प्लस क्या हो जाएगा जी थ्री हो जाएगा, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा यानी कि आपको क्या कह रहा है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा ना, स्पर्श रेखा की ज्या, स्पर्श रेखा की ज्या कहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है यार, स्पर्श रेखा की ज्या कहते हैं, आप स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए नहीं, स्पर्श रेखा की ज्या मतलब होता है टेन थीटा। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना, वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और यार अगर आपको थीटा की वैल्यू की बात करें तो थीटा दैट इज द टेन इनवर्स ऑफ दिस, ये आप यहाँ पे लिख दें तो ये आ जाएगा आपके पास में थीटा की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एम एस मैथ्स।